हाँ भाई देखिए, हाँ CMA फाउंडेशन और CMA फाउंडेशन के लॉ के पेपर के रिवीजन की बात करेंगे भाई हम। फिलहाल आप पेपर नंबर 1 बोलते हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ओल्ड सिलेबस में आपका पेपर नंबर 3 था भाई। 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, जिसमें न्यू और ओल्ड बिल्कुल कुछ चैप्टर में आपका डिफरेंस छोड़ दिया गया है भाई। पहले ओल्ड वाले में बुक का नाम था आपका लॉ एंड एथिक्स, 70% आपका लॉ, 30% एथिक्स, और ये 100 मार्क्स की आपके पेपर नंबर 3 था भाई। न्यू सिलेबस में आपका लॉ एंड कम्युनिकेशन के नाम से पेपर बना दिया भाई, और यहाँ आप बोल सकते हो 80% आपकी लॉ की और अप्रोक्स 20% आपकी कम्युनिकेशन। मतलब जो एथिक्स वाला पोर्शन था उसको हटा दिया गया है और उसकी जगह कम्युनिकेशन ले आए हैं भाई। कुछ चैप्टर बिल्कुल सेम टू सेम है, चाहे आपका ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो। हम कुछ एक बेसिक चैप्टर्स की बात करेंगे जो ओल्ड और न्यू में बिल्कुल सेम है भाई। उनमें से 3 चैप्टर हैं, देखिए भाई। एक चैप्टर जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक चैप्टर है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एक चैप्टर है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये 3 चैप्टर आपके कॉमन चैप्टर हैं, और कॉमन चैप्टर से सीधा सा मतलब है भाई आपके ओल्ड और न्यू दोनों में सेम है। ओल्ड से एक चैप्टर हटा दिया गया और न्यू में आपके 2 चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं, और कुछ फर्क नहीं है भाई। ये 3ों चैप्टर आपके पहले भी थे, अब भी हैं, फाउंडेशन में भी हैं, इंटर में भी हैं। इसका एक चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं भाई लॉ में, और चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे भाई आपका। चैप्टर का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अच्छे से पढ़ लेना भी चैप्टर, फाउंडेशन के साथ साथ में इंटर में भी आपका सेम टू सेम चैप्टर दे रखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सबसे पहले हम बात करेंगे नेगोशिएबल वर्ड की, और नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है बिल, और ये जो एक्ट है आपका कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, हॉल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है भाई, इंक्लूडिंग जम्मू और कश्मीर। ये जो जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग है ये ऑलरेडी था भाई आपका, पहले से था। कुछ एक्ट आपके 2020 के बाद पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होने स्टार्ट हुए हैं भाई, उससे पहले एक्सक्लूडिंग हुआ करता था। ये जो एक्ट है आपका पहले से पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हुआ करता था, जिसमें जम्मू कश्मीर भी क्या था, इंक्लूड था भाई। इसके अलावा ये जो एक्ट है इसकी एक एप्लीकेबिलिटी भी दे रखी है भाई, एप्लीकेबिलिटी दे रखी है 1 मार्च 1882 को। एक्ट 1881 का है लेकिन एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो एप्लीकेबल हुआ 1 मार्च 1882 को, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड करता है भाई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड, एक तो आपका इंक्लूड कर रहा है भाई बिल ऑफ एक्सचेंज, एक आपका प्रॉमिसरी नोट, एक आपका इंक्लूड करता है चेक को, एक आपका
अकोमोडेशन बिल और एक आपका हुंडीज आपका कवर करता है, लेकिन फिलहाल मार्केटेबल नहीं है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किस किस चीज़ को कवर करता है भाई? सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कवर करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, प्रॉमिसरी नोट, चेक, अकोमोडेशन बिल। ये चारों पॉइंट्स हमें अच्छे से पढ़ने हैं भाई। अकोमोडेशन का थोड़ा रोल कम है, बाकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। चेक का नाम आपने बहुत बार सुना होगा भाई, बैंकिंग सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ में होने वाला वर्ड है आपका चेक। चेक भी पढ़ लेंगे। देखिए भाई, ये जो एक्ट आप पढ़ने जा रहे हो, ये आपका बनाया गया था सबसे मेन, आप बोल सकते हो कि साहब एक पर्सन दूसरे पर्सन को उधार माल बेच रहे हैं। अब उधार माल बेच तो रहे, सब उधार माल बेचने के बाद मेरे पास पैसा आ जाएगा, इसकी क्या श्योरिटी है, इसकी क्या गारंटी है? तो साहब मैं सामने वाली पार्टी से कुछ ना कुछ लिखवा लेता हूँ। तो जो इंस्ट्रूमेंट आप लिखवाओगे उसको बिल है, और नेगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल। तो इसके लिए आप बोल सकते हो भाई, ऐसा बिल जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उससे रिगार्डिंग एक एक्ट बना हुआ है, और ये एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, और एप्लीकेबिलिटी की डेट है 1 मार्च 1882 को। देखिए भाई, एक एक पॉइंट कवर करेंगे इसके हम। सबसे पहली अगर हम बात करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वेटेज जो है, एक बार वेटेज देख लेना भाई, 20% का वेटेज दिया हुआ है। 20% बोले तो 20 मार्क्स, और 20 मार्क्स का वेटेज कम नहीं होता है भाई। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का 20 नंबर का पोर्शन, 20 नंबर कम नहीं होते हैं। और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे अभी चैप्टर स्टार्ट करें और अभी इस चैप्टर को फ्री कर दें भाई। कोशिश यही करेंगे, एक दिन में एक चैप्टर को पूरा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए एक बार देख लीजिए भाई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट द प्रॉपर्टी इन विच इज एक्वायर बाई एनी वन हु टेक अ बोनाफाइड और फॉर वैल्यू नॉट विद स्टैंडिंग एनी डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर, इट नीड नॉट नेसेसरी बी अ प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। भाई सीधी सी बात है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक बिल है, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए बोलता है भाई। अब वो चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में हो, चाहे चेक के रूप में हो, चाहे प्रोमिसरी नोट के रूप में हो। हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो आपके कुछ एक फीचर्स दे रखे हैं भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। सबसे पहला फीचर क्या दे रखा आपका? सब फ्री एंड इनम्यूरेबल ट्रांसफर्स, सब बिल्कुल फ्री है, और जितनी बार भी आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहो, इनम्यूरेबल, जितनी बार भी आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहो कि सब ए ने ट्रांसफ़र किया बी को, बी ने ट्रांसफ़र किया सी को, सी ने किया डी, एक्स, वाई, जेड, आप कितनी बार भी आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है भाई। और ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये ट्रांसफ़र होता है बाई डिलीवरी, बाई एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। आप खुद भी इसको दे सकते हो या एंडोर्समेंट के थ्रू भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र हो सकता है। अब मैन एक बार आपको थोड़ा बता देते हैं भाई, मान लो मिस्टर अंकित सोल्ड गॉड्स टू मिस्टर मोहित। सब अंकित ने माल बेचा मोहित को, अब जैसे ही माल गया, माल की डिलीवरी भी जाएगी भाई साथ में, और माल था मान लो 1000 का,
मोहित बोल रहा है साहब मेरे पास कैश की कमी है, मेरे पास कैश नहीं है। अंकित बोल रहा है भाई पैसा तो मेरे को चाहिए। मोहित बोल रहा है साहब अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो अंकित बोल रहा है भाई एक काम करना, मैं आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ करूँगा और वो बिल ड्रॉ करके आपके पास भेजूँगा। आपके पास मैंने क्या कर दिया, सेंड कर दिया। आप इस बिल को आराम से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद आप मुझे इस बिल के ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दे देना, स्वीकृति। सब ऐसा आप बिल के अंदर क्या लिखोगे? सब मैं बिल के अंदर लिखूँगा मेरा नाम अंकित है, सामने वाली पार्टी का नाम मोहित है, मैं इसको 1000 रुपये का माल बेच रहा हूँ और ये 1000 रुपये 1 महीने बाद ये मेरे को रिटर्न कर देगा। नहीं करेगा तो इतने परसेंट के हिसाब से क्या लगेगा भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI। मिस्टर मोहित अगर इन सब चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाता है पूरे के पूरे बिल को पढ़ने के बाद, तो वो अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा। एक्सेप्टेंस के बाद आपने सुना होगा जैसे ही ये बिल अंकित के पास पहुंचता है, अंकित बोलेगा BR और मोहित ने इसका नाम क्या रखा भाई, BP। एक के लिए बिल्स रिसीवेबल और एक के लिए बिल्स पेबल। तो यहाँ इस पूरे प्रोसेस को हम किसके नाम से जानते हैं भाई, सब ये है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, बिलों का अदला बदला। अंकित के कोई पैसे मांगता था मिस्टर सुमित, सुमित जाता है भाई अंकित के पास, पैसा लाओ। अंकित बोल रहा साहब मेरे पास भी क्या नहीं है, कैश तो है नहीं, एक काम करो मेरे पास क्या एक BR रखा है, ये BR आप ले जाओ। अगर अंकित ये BR सुमित को ट्रांसफ़र कर दे तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं भाई इसको, एंडोर्समेंट। बिल को आगे की ओर ट्रांसफ़र करना, और बिल को अगर आप आगे की ओर ट्रांसफ़र करते हो तो एक तरीके से वो एंडोर्समेंट। तो यहाँ जो वर्ड आया था अभी आपने देखा था भाई, सब कितनी बार भी फ्री आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे डिलीवरी के थ्रू चाहे एंडोर्समेंट, दोनों केस देख लिए हमने, बाय डिलीवरी भी देख लिया और बाय एंडोर्समेंट भी, ठीक है। इन्फिनिटी टाइम तक आप क्या कर सकते हो, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, बस मैच्योरिटी से पहले। बिल मान लो 1 महीने की डेट का आपको फिक्स दे रखा है, तो 1 महीने से पहले पहले आप कितनी बार भी ट्रांसफ़र कर लो, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए भाई, डिफेक्टिव से मतलब कोई टाइटल में गलती नहीं होनी चाहिए, कंसिडरेशन आपका होना चाहिए। मैच्योरिटी से पहले ट्रांसफ़र करोगे और कोई डिफेक्ट है तो आप पहले नोटिस दे दोगे, और बाकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। जो भी होल्डर होगा वो अपने नाम से क्या करेगा भाई, केस करेगा। बिल के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, कल को मुझे केस करना है तो मेरे नाम से क्या होगा भाई, केस होगा। कुछ एक इसकी प्रजम्पशंस दी हुई है, वो हम पूरी प्रॉपर तरीके से पढ़ लेंगे भाई, क्या क्या प्रजम्पशंस दी हुई है। कंसीडरेशन हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर होना चाहिए। डेट प्रॉपर एक डेट होनी चाहिए, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब बिल को आगे की ओर ट्रांसफ़र करना। स्टाम्पिंग होनी चाहिए, होल्डर इन ड्यू कोर्स भी पढ़ेंगे हम। होल्डर इन ड्यू कोर्स से पहले टोटल होल्डर की अगर हम बात करें तो सब एक होता है होल्डर और एक होता है होल्डर फॉर वैल्यू और एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। जो होल्डर है उन होल्डर को 3 पार्ट में बांट रखा है, होल्डर, होल्डर फॉर वैल्यू और होल्डर इन ड्यू कोर्स। सीधी सी बात है भाई, जिसके पास भी बिल हो वो ही होल्डर है। जिसके पास भी बिल आया हो वही क्या भाई, होल्डर है। होल्डर फॉर वैल्यू, सब पूरी चैन में जो आपकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाली चैन थी ना भी, एंडोर्समेंट वाली, कि अंकित ने सुमित को दे दिया, सुमित ने रोहित को दे दिया, रोहित ने और आगे की ओर XYZ को ट्रांसफ़र कर दिया, तो पूरी चेन में एक बार कंसीडरेशन
होना चाहिए। मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मेरा आपके साथ कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है सब, आपने किसी और को ट्रांसफ़र किया उसके साथ भी कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन पूरी चैन में एक बार कंसिडरेशन होना चाहिए। बहुत बार आपसे पूछ लेता है सब, होल्डर, होल्डर फॉर वैल्यू और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या डिफरेंस है। सेम टू सेम चैप्टर आपका इंटर के अंदर भी है भाई, इंटर के लिए भी पढ़ सकते हैं, सेम टू सेम टॉपिक है बिल्कुल। अगला होल्डर इन ड्यू कोर्स दे रखा है भाई। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है भाई, जो लास्ट वाली चैन है, लास्ट वाली चैन में कंसीडरेशन होना चाहिए भाई। वो एक एग्जांपल के साथ करेंगे तो उससे कंप्लीट समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाला एग्जांपल था, सुमित ने दे दिया मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स ने दे दिया मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई ने दे दिया मिस्टर जेड को। तो लास्ट वाली चैन क्या है, मिस्टर वाई और जेड की है, इन दोनों के बीच में कंसीडरेशन होना चाहिए। वाई और जेड, इन दोनों के बीच में कंसीडरेशन होना चाहिए। कंसीडरेशन होगा तो ही आपका होल्डर इन ड्यू कोर्स बोला जाएगा भाई। सब होल्डर इन ड्यू कोर्स को इतना हाईलाइट करके आप क्यों समझा रहे हैं? देखिए भाई, सीधी सी बात है, होल्डर इन ड्यू कोर्स में सीधा सा है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को शॉर्ट में हम HDC बोल देते हैं। HDC को पैसा मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ HDC को ये साबित करना है। सब मैंने ये बिल किस में लिया, गुड फेथ में लिया, मैंने ये बिल किस में लिया, सब गुड फेथ में लिया। अगर ये गुड फेथ में लेता है तो हम बोल सकते हैं कि सब HDC को पैसा मिलेगा ही मिलेगा। सब बिल डिफेक्टिव है, बिल पे टाइटल गलत है, बिल पे अमाउंट गलत है, बिल पे डेट गलत है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गलत है, पार्टीज़ का नाम गलत है, कुछ भी हो चाहे भाई, एक बार बिल अगर HDC के हाथ में लग गया तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। आप सोच सकते हैं किस लेवल का इसको प्रोडक्शन दे रखा है भाई, लेकिन होना क्या चाहिए, वो HDC का सिर्फ एक ही सब जवाब होता है भाई, सब मुझे नहीं पता इससे प्रायर क्या डिफेक्टिव था, मैंने गुड फेथ में ये क्या लिया है, बिल लिया है। अगर आप गुड फेथ में कोई बिल लेते हो तो उसको सीधा सा है भाई, पैसा मिलेगा ही मिलेगा। जो आपके एसेंशियल एलिमेंट्स या फीचर्स पढ़ रहे हो ना, इनमें जो बातें आ रही हैं वो समझाई जा रही है भाई। डिसओनर का नाम सुना होगा भाई, ड्यू डेट को जैसे ही आप क्या लेने जाते हो भाई, पेमेंट लेने गए, ड्यू डेट को जैसे ही आप पेमेंट लेने गए, पेमेंट नहीं मिल पाया, रीज़न इनसफिशेंट बैलेंस। आपके खाते में पैसा नहीं था, पैसा नहीं होने के कारण आपका बिल क्या हो गया भाई, डिसओनर हो गया, और डिसओनर के केस में बिल रिवर्ट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है भाई। इसके अलावा टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रखे भाई आपको, और इसमें क्लासिफिकेशन वैसे तो दो टाइप कर रखे हैं आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, एक नेगोशिएबल बाई स्टैच्यू, एक नेगोशिएबल बाई कस्टम और यूजेज। अब इनको क्लासिफाई कैसे कैसे कर रखा है वो देखते जाना भैया। सबसे पहला आपका क्लासिफिकेशन है बीरर एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है भाई आपका, बीरर एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अगर किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे किसी का नाम स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ तो उसको बेरर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं भाई। मेरे हाथ में बिल, मैं बिल का मालिक, आपके हाथ में बिल, आप बिल के मालिक। एक होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, आपने ऑर्डर दिया, ऑर्डर किसको दोगे, हमेशा एक स्पेसिफिक पर्सन को। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑर्डर देते हो तो उसको हम बोलते हैं भाई ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, हम बोलते हैं उसको ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। एक है इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, देसी बिल विदेशी बिल, लिखने वाला भी इंडिया का, बिल बनाया भी इंडिया वाले के ऊपर ही है और बनाया भी इंडिया के अंदर ही गए हैं, इनलैंड बिल। एक होता है फॉरेन बिल, फॉरेन बिल के लिए तो ये भी कह रखा है ऐसा बिल जो इनलैंड बिल नहीं हो उसको हम
फॉरेन बिल बोलते हैं भाई, और फॉरेन बिल सीधी सी बात है, कोई पर्सन कहाँ से रिलेटेड हो, इंडिया से बाहर। डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट, डिमांड हमेशा, अगर हम डिमांड की बात करें और एक टाइम की बात करें, डिमांड टू पे हमेशा चेक होता है भाई, चेक जो होता है वो हमेशा डिमांड टू पे होता है, जैसे डिमांड करोगे वैसे पेमेंट हो जाएगा, और जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है वो टाइम टू पे होता है भाई, या ऑर्डर टू पे बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, ऑर्डर टू पे। एक आता है आपका जेन्युइन बिल, अकोमोडेशन बिल, फिक्टिशियस बिल। जेन्युइन बिल बिल सीधी सी बात है, ऐसा बिल जिसमें कंसीडरेशन होता है, यहाँ जेन्युइन बिल में कंसीडरेशन होगा। अकोमोडेशन बिल आपका, आपने सुना हो नाम, अकोमोडेशन हमेशा हेल्पिंग नेचर बिल होता है भाई, यहाँ सामने वाली पार्टी का व्यापार करना टारगेट नहीं होता है भाई। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड पे अगर बिल लिखता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त पे अगर बिल लिखता है, तो उसको हम अकोमोडेशन बिल के नाम से जानते हैं, हेल्पिंग नेचर बिल है। अगर हेल्पिंग नेचर ही बिल है तो सीधी सी बात है साहब, विदाउट कंसीडरेशन होगा, और कंसीडरेशन लेकर अगर आप अपने फ्रेंड का काम कर रहे हो तो फ्रेंड किस चीज़ का है भाई, सीधी सी बात है। तो ये आपका हमेशा क्या होना चाहिए, विदाउट कंसीडरेशन, बिना कंसीडरेशन का। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस बिल कई बार ऐसा होता है भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी है, मान लो ड्रोवर है, ड्रोवी है और पेई है। ड्रोवर बिल को बनाने वाला, ड्रोवी एक्सेप्ट करने वाला, पेई जिसको पैसा मिलेगा। मान लो ये जो ड्रोवर है और ड्रोवी, ड्रोवर और ड्रोवी के साइन अलग अलग होने थे, दोनों पार्टियां अलग अलग थी, लेकिन हमने सब क्या किया, ड्रोवर ने ही ड्रोवी के साइन कर दिए। लाइक किसी भी प्रकार से अगर फिक्टिशियस हो रहा है वो, काल्पनिक, तो फिक्टिशियस जेन्युइन बिल्कुल सही बिल है, अकोमोडेशन हेल्पिंग नेचर के लिए, फिक्टिशियस ड्रोवर ड्रोवी के साइन एक नहीं कर दिए, या दोनों की हैंड राइटिंग क्या है, बिल्कुल सेम है भाई। क्लीन एंड डॉक्यूमेंट्री बिल, क्लीन एंड डॉक्यूमेंट्री बिल, क्लीन बिल ऐसा बिल जिसके साथ कोई भी आपका अलग से डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं हो, कोई भी ऐसा बिल जिसके साथ अदर डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं हो, उसको हम क्लीन बिल के नाम से जानते हैं। और डॉक्यूमेंट्री बिल क्या होता है, जिसके साथ और बिल क्या कर दिए जाते हैं, अटैच कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, और जिसके साथ और बिल जोड़ दिए जाएंगे उसको हम डॉक्यूमेंट्री बिल बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री बिल। एम्बिजियस इंस्ट्रूमेंट, एम्बिजियस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है भाई, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर किसी भी प्रकार का फ्रॉड हो, फॉल्ट हो, अगर फॉल्ट में कोई बिल हो, डिफॉल्टर हो, तो उसको हम एम्बिजियस का नाम देते हैं भाई। जैसे अमाउंट वर्ड में लिख दिया 1000 और इनको अगर वर्ड की बात करें तो वर्ड में आपका क्या लिख दिया भाई, इसने 1000 और फिगर में बात करें तो फिगर में कितना लिख दिया, 10,000। सब मैं 1000 मानूं कि 10,000 मानूं, अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है मतलब सामने वाली पार्टी का इंटेंशन फ्रॉड वाला हो सकता है। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है भाई, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनकम्प्लीट होता है, कोई भी इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, कोई भी क्या भाई, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, उसको हम इनकोएट इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं भाई, जिसमें प्रॉपर तरीके से डिटेल नहीं हो, चाहे ब्लैंक हो, स्टैम्प पेपर नहीं है, किसी के साइन नहीं है, अमाउंट में कमी, तो कोई ना कोई रीज़न से आपका क्या हो सकता है भाई, वो इनकम्प्लीट हो सकता है। एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है भाई, एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट होता है सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी पर्पस। सब मैं अपने बिल को गिरवी रख रहा हूँ, मेरे को पैसा चाहिए, अब पैसा मेरे को मिल नहीं रहा,
तो मैंने क्या किया, सब मेरे बिल को गिरवी रख दिया मैंने। और अगर आप अपना बिल गिरवी रखते हो सिक्योरिटी पर्पस से, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट किसके नाम से जाना जाएगा? देखो इंस्ट्रूमेंट का मतलब तो पहले बता दिया मैंने, बिल। तो गिरवी के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर अगर कोई बिल रखा जाता है तो उसको हम एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। ये क्लासिफिकेशन पता होना बड़ा ज़रूरी है भाई आपको। बहुत बार आपके साथ ये क्लासिफिकेशन पूछ लिए जाते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। और इसमें भी विशेषकर एम्बिजियस फ्रॉड वाला, इनकॉइट इंस्ट्रूमेंट, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, और एक है आपका एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। और एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट क्या भाई आपका? सिक्योरिटी पर्पस से, कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है भाई, देखिए कैपेसिटी की बात करें, कौन कौन पर्सन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टी बन सकती है? कौन कौन पर्सन नेगोशिएबल में नेगोशिएबल की पार्टी बन सकती है? कॉम्पिटेंट पर्सन, या फिर आप बोल सकते हो कैपेबल पर्सन, ऐसा पर्सन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर पार्टी बन सकता है। भाई देखिए कौन कौन बन सकता है, कौन कौन नहीं बन सकता। तो सबसे पहले आपको दे रखा है माइनर, माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने में कैपेबल नहीं होता है भाई, तो माइनर को आप लाइबल भी नहीं कर सकते हो। तो साहब माइनर अगर लाइबल ही नहीं हो सकता तो सीधी सी बात है माइनर को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर पार्टी नहीं बनाई जाएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, माइनर पर्सनली लाइबल भी नहीं होता है। अभी बताया आपको, अगर माइनर पर्सनली क्या नहीं हो, लाइबल नहीं हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ मिल रहा हो उसको, वो चेक है, चेक के ऊपर माइनर का नाम है, चेक मिल सकता है उसको, वो खुद देने के लिए लाइबल नहीं होगा। कॉरपोरेशन, सब कॉरपोरेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कॉरपोरेशन मतलब कंपनी, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और आर्टिफिशियल पर्सन कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा भाई? तो सीधी सी बात है, कोई भी कॉरपोरेशन, कोई भी कॉरपोरेशन या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टी नहीं बन सकती है। लेकिन अगर इस कंपनी ने किसी को ऑथोराइज्ड कर दिया कि साहब ये पर्सन इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टी बन सकती है, तो वो कॉरपोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और ये लिखा हुआ कहाँ होगा? एओए में। वैसे तो कॉरपोरेशन या कंपनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टी नहीं बन सकती है, बन सकती है अगर आपने उसको क्या कर रखा है, ऑथोराइज्ड कर रखा है किसी पर्सन को एओए के अंदर, कि साहब मिस्टर एक्स इस कॉरपोरेशन को हैंडल करता है, यही मैनेजर है, यही सब कुछ यही अभी करता धरता, तो वो साइन कर सकता है। एजेंट, क्या एक एजेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टी बन सकती है? देखो बन तो सकती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रिंसिपल होगा भाई, उस प्रिंसिपल की जो भी आप बोल दो सब रिप्रेजेंटेशन है या ऑथोराइज्ड है, जितना उसको प्रिंसिपल ने ऑथोराइज्ड कर रखा है वहीं तक। अगर उससे बाहर जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो पर्सनली लायबल माना जाएगा। वैसे तो लायबल प्रिंसिपल होता है भी एजेंसी के केस में, लेकिन अगर उसने अथॉरिटी से बाहर जाकर कुछ भी किया तो उस केस में हमेशा एजेंट लायबल माना जाएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर रियल ओनर की डेथ हो गई हो, किसी भी प्रकार से मेंटली डिसऑर्डर हो, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टी बन सकती है। अब एक एक समझा रखा है, सबसे पहले प्रोमिसरी नोट, और प्रोमिसरी नोट का सेक्शन 4 है भाई। प्रोमिसरी नोट समझा रखा है और प्रोमिसरी नोट का सेक्शन 4 दे रखा है आपको। क्या बोल रहा है भाई देखना, सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंस प्रोमिसरी नोट। क्या है भाई प्रोमिसरी नोट? इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, छोड़कर क्या बैंक नोट और करेंसी नोट। कई बार आपने नोटों पे देखा हो कि साहब मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, तो प्रोमिस तो वहाँ भी कर रहे हैं, इन वो प्रोमिसरी नोट यहाँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कवर नहीं करता है भाई। कौन कोई भी नोट मान लो आप,
आप मान लो 500 की करेंसी है, अगर आपने 500 की करेंसी देखी हो, कोई भी करेंसी देखी हो, चाहे 100 रुपए की हो, चाहे 500 की हो, चाहे कितने की भी हो, किसी भी करेंसी को अगर आपने देखा हो, देखिए भाई, तो उस करेंसी के अंदर आपने देखा होगा, देखते हैं अभी, मान लो भाई कोई भी एक ये नोट है, इस नोट के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ होता है भाई कि साहब मैं, ये लिखा हुआ देखिए साफ साफ, प्रॉमिस कर रहे हैं कि साहब मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, आई प्रॉमिस टू पे दी बेरर द सम ऑफ 500 रुपीज। अब लगने को तो आपको ये भी प्रोमिसरी नोट लग रहा होगा कि साहब ये भी क्या है, एक प्रोमिसरी नोट ही है, लेकिन ध्यान रखना भाई प्रोमिसरी नोट में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, प्रोमिसरी नोट में इसको इंक्लूड नहीं किया गया आपका, ठीक है। ये जो प्रोमिसरी नोट होगा वो अनकंडीशनल होगा, अनकंडीशनल मतलब बिना किसी शर्त के, जैसे अभी आपने वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखा था भाई, वहाँ आपने क्या देखा था, एक अंकित ने माल बेच दिया मोहित को, मोहित के पास पैसा नहीं था, अंकित बोल रहा है मुझे तेरे ऊपर विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, मैं तेरे ऊपर बिल बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, 50 बातें निकल कर आ रही थी। अब इसी का एक केस देखना, मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने माल बेचा मिस्टर बी को, मिस्टर बी को पता है मेरे पास कैश नहीं है, ए आएगा 50 बातें बोलेगा साहब पैसा नहीं है तो माल क्यों मंगवाया, ये है वो है, तो बी बोल रहा है यार एक काम करूं क्या, मैं आगे से उसको प्रॉमिस कर दूं, प्रॉमिस टू पे कि साहब मैं ही आपको 1 महीने बाद क्या दे दूंगा, पैसा दे दूंगा, तो ये जो प्रॉमिस टू पे करेगा ना, इसको आप क्या बोलते हो भाई, प्रॉमिसरी नोट। मिस्टर ए मिस्टर बी यहां बोल सकते हो साहब प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिसरी नोट, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है भाई, मिस्टर ए मिस्टर बी, एक बार अच्छे से देख लेना भाई इस चीज को, यहां खुद आगे से प्रॉमिस कर रहा है, यहां दो ही पार्टी होती है, एक जो प्रॉमिसरी नोट बनाएगा मेकर, एक जिसको पैसा मिलेगा पे, तो प्रॉमिसरी नोट में दो ही पार्टी है, प्रॉमिसरी नोट के अंदर अगर हम पार्टीज की बात करें तो ओनली 2 पार्टीज है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी थी भाई, यहां पार्टी कितनी है, 2 ही पार्टी है। देखिए भाई आगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर साइन होने चाहिए, अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, सर्टेन व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए, बेरर भी हो सकता है किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम ना हो, जिसके हाथ में भी प्रोमिसरी नोट वो ही प्रोमिसरी नोट का मालिक, पार्टीज 2 मेकर और पे, मेकर कौन, प्रोमिसरी नोट बनाने वाला, पे जिसको पैसा मिलेगा, जिसको पैसा मिलेगा, मेकर पढ़ लेना पे पढ़ लेना भाई, जो प्रोमिसरी नोट बनाता है, द पर्सन हु मेक द प्रोमिसरी नोट एंड प्रोमिस टू पे इज कॉल्ड मेकर, पे द पर्सन टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड कॉल्ड पे। अब कुछ है इसके बेसिक फीचर्स दिए हुए भाई, फीचर्स जरूर पढ़ लेना, और वैसे एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये जो फीचर वाली आपकी बात चल रही है, जितने भी आपके फीचर्स दिए हुए हैं, हम प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, पीएन मतलब प्रोमिसरी नोट, बीओई बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, तीनों के बीच में जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे ना भाई, तो हमारे को सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ये सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे जब हम तीनों के बीच में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। सबसे पहला फीचर क्या है भाई, प्रोमिसरी नोट आपका राइटिंग में होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए, जो प्रोमिसरी नोट है वो आपका लिखित में होना चाहिए, यहाँ अंडरटेकिंग टू पे, यहाँ प्रोमिस टू पे,
साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए कि साहब मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त। प्रोमिसरी नोट में मेकर के साइन होने जरूरी है। अमाउंट पहले से सर्टेन होना चाहिए। मनी एंड मनी ओनली। मैंने ए ने बी को 5 AC बेचे, क्या 5 AC का बिल बना सकते हो? नहीं साहब, 5 AC के अमाउंट का प्रोमिसरी नोट बनेगा आपका। जो मेकर है और पेई है वो भी सर्टेन होना चाहिए। स्टाम्पिंग आपकी एसेंशियल है, स्टाम्पिंग एक्ट 1899 में, एविडेंस के काम पे। कल को कुछ फ्रॉड हो जाए, कुछ और हो जाए, तो आप सबूत के तौर पे क्या बोल सकते हो? साहब मेरे पास क्या है? स्टाम्प पे लिखा हुआ है। प्रॉपर डेट होनी चाहिए। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो प्रोमिसरी नोट की लाइफ 3 साल तक होती है। 3 साल तक आप किसी भी प्रकार से उसको काम ले सकते हो लीगली, केस करने के। 3 साल के बाद वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है भाई। फिर एक दिया हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 में दिया हुआ भाई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। और आप बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक बात है भाई, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बोल दो या फिर बेयरर इंस्ट्रूमेंट बोल दो। 3 पार्टी होती है अगर हम पार्टीज की बात करें तो। एक पार्टी जिसको आप बोलते हो ड्रॉवर, एक ड्रॉवी, एक पेई। ड्रॉवर बिल को बनाने वाला, द पर्सन हु गिव्स द ऑर्डर टू पे कॉल्ड क्या? ड्रॉवर। ड्रॉवी ऐसा पर्सन जो पेमेंट करेगा या बिल को स्वीकार करेगा, इसका एक नाम और होता है एक्सेप्टर या खरीदने वाला बायर। ड्रॉवर बोल दो, मेकर बोल दो, सेलर बोल दो। पेई ऐसा पर्सन जिसको पेमेंट मिलेगा, ऐसा पर्सन जिसको पेमेंट मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं भाई? पेई के नाम से जानते हैं। ऐसा पर्सन जिसको पेमेंट मिलेगा, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टी, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई। प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टी, मेकर और पे। अब इसके भी कुछ एक फीचर्स दिए हुए भाई। बिल ऑफ एक्सचेंज आपका अनकंडीशनल होता है भाई, एक्सेप्टर अगर स्वीकार करेगा तो बिना किसी कंडीशन के। मनी एंड मनी ओनली। अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, टाइम सर्टेन होना चाहिए, ऑर्डर टू पे है, एसेंशियल है। यहाँ पर आप बोल सकते हो साहब एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो भी टर्म्स और कंडीशन है वो आपकी एसेंशियल है। इट मस्ट इंडिकेट अ ड्रॉवी हु शुड बी कॉल्ड एक्सेप्ट और टू पे इट। इट शुड स्पेसिफिकली मैंशन द डेट प्लेस प्रॉपर होनी चाहिए। स्टाम्पिंग जरूरी है इंडियन स्टाम्पिंग एक्ट 1899 के अकॉर्डिंग। एक आ जाता है भाई चेक, और चेक का सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन 6। चेक आपने बैंकिंग सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा काम आने वाला जो टर्म है आपका वो चेक ही होता है भाई। और जो चेक है उस चेक को आपके 3 पार्ट में बांट रखा है, या 3 तरीके इसके आपके टाइप्स दे रखे हैं चेक के। एक चेक जिसको आप बोलते हो फिजिकल चेक, एक चेक जिसको आप बोलते हो ट्रंकेटेड चेक, एक चेक जिसको आप बोलते हो, एक तो फिजिकल आ जाता है, एक ट्रंकेटेड आ जाता है, एक आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक सिस्टम, कई बार आपकी EMI वगैरह कटती है तो आपने नाम सुना होगा ना, ECS, इलेक्ट्रॉनिक चेक सिस्टम। तो चेक को 3 प्रकार से बांटा गया है। एक होता है फिजिकल चेक हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी चेक सबने अपने अपने घरों में देखी होगी भाई, व्यवसाय में देखी होगी, व्यापार में देखी होगी। एक हार्ड कॉपी होती है फिजिकल चेक की, चेकबुक जिसको बोलते हैं, उसमें प्रॉपर डेट, नाम वगैरह सब कुछ आ जाती है। एक कॉलम आ जाता है डेट का, एक आ जाता है पे टू मिस्टर XYZ जो भी हो। यहाँ सिग्नेचर हो जाते हैं, यहाँ अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन फिगर, और यहाँ 2 लाइनें खींच देते हो। अगर खींचते हो 2 लाइनें तो इसका मतलब अकाउंट में ही पैसा जाना चाहिए, जिसको आप बोलते हो अकाउंट पे ही चेक। कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिजिकल चेक। इसी की सॉफ्ट कॉपी है आपकी इलेक्ट्रॉनिक चेक।
जो सॉफ्ट कॉपी है उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक चेक। अभी आप पेपर नंबर वन पढ़ रहे हैं, अभी आपके सामने अगर बुक खुली हुई है, हार्ड कॉपी है, और उसी को आप अगर सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ में पढ़ते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ऐसी चेक के अंदर है, अगर सामने दिख रहा है फिजिकली तरीके से, फिजिकल चेक है, अगर उसी की आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक मोड दे रखा है तो इलेक्ट्रॉनिक चेक है। इलेक्ट्रॉनिक चेक के लिए पहले ही पर्सन को ऑथोराइज्ड कर किया जाता है, भाई ये ही पर्सन उस चेक के ऊपर साइन कर सकता है। एक आता है ट्रंकेटेड चेक, ट्रंकेटेड चेक का एक नाम और है भाई स्कैन कॉपी। ट्रंकेटेड चेक को समझेंगे सिर्फ हम, बाकी दोनों फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मोड इतना कुछ पढ़ने वाली खास बात है नहीं भाई। अगर हार्ड कॉपी के रूप में है फिजिकल चेक, उसी की सॉफ्ट कॉपी है इलेक्ट्रॉनिक चेक, पढ़ने वाला पॉइंट क्या है यहाँ पर, ट्रंकेटेड चेक का। ट्रंकेटेड चेक क्या होता है भाई देखना, मिस्टर एक्स गया एसबीआई बैंक में और मिस्टर एक्स का अकाउंट है पीएनबी में, लेकिन इसने चेक डिपॉजिट कहाँ करवाया, साहब इसने चेक डिपॉजिट करवाया एसबीआई में। एसबीआई बैंक पहले क्या करता था, एसबीआई बैंक के पहले पोस्ट ऑफिस वाले आते थे, ये पोस्ट ऑफिस में जाता, पोस्ट ऑफिस से ये चेक जाता पीएनबी बैंक में, पीएनबी बैंक वाले इसकी कन्फर्मेशन के लिए 5-7 दिन लगा देते थे, कन्फर्मेशन होने के बाद वापस पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से वापस एसबीआई बैंक, चेक ऐसे घूमता रहता था। और चेक क्लियर होने में बड़ा टाइम लगता था, जिसको आप बोलते क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस की अगर बात करें तो 7-10 डेज, पहले के टाइम 7-10 दिन लग जाते थे आपके चेक क्लियर होने में, पहले के टाइम में 7-10 दिन लग जाते थे आपके चेक क्लियर होने में, बड़ा टाइम लगता था भाई। आज के दिन क्या होने लग गया, ये एग्जांपल मान लो, जैसे एसबीआई बैंक के पास चेक पहुंचा, एसबीआई बैंक इस चेक को स्कैन करता है, स्कैन कॉपी, और ये स्कैन कॉपी मेल करता है पीएनबी बैंक को। कितना टाइम लगता है भाई मेल करने में, स्कैन करने में, मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, मेल कर दिया पीएनबी बैंक को, पीएनबी बैंक मेल का रिप्लाई करता है, मेल पहुंचते रिप्लाई करता है कि सब इसके अकाउंट में पैसा है या नहीं है। आज के दिन आपने देखा होगा जो चेक का क्लियरिंग हाउस है, क्लियरिंग हाउस टाइम जो है वो बहुत कम हो गया, और कम होने का रीज़न आपका ट्रंकेटेड चेक, स्कैन कॉपी भेज दी जाती है, जिससे आपका टाइम पीरियड बिल्कुल क्या हो गया भाई, कम हो गया, ट्रंकेटेड चेक। तो यहाँ बोल सकते हो फिजिकल चेक, ट्रंकेटेड चेक, इलेक्ट्रॉनिक चेक। आ चेक इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड डिमांड पेबल ऑन डिमांड एंड इट इंक्लूड्स क्या, इलेक्ट्रॉनिक चेक ऑफ अ ट्रंकेटेड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तीनों भाई आपके, और स्कैन कॉपी करोगे तो वो भी वैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही हो गया। इलेक्ट्रॉनिक चेक के लिए क्या बोल दिया भाई, एग्जैक्ट मिरर ऑफ अ प्रॉपर चेक, मतलब फिजिकल जो चेक है आपका, फिजिकल चेक की ही एक सॉफ्ट कॉपी होती है, या फिर आप ये बोल दो हार्ड कॉपी की ही क्या होती है भाई, सॉफ्ट कॉपी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चेक। कुछ खास नहीं है भाई, ट्रंकेटेड चेक मैंने आपको बता दिया, जो चेक है स्पेसिफाई बैंक के ऊपर लिखा गया है, पेबल ऑन डिमांड होता है, पार्टीज 3 पार्टी, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे, ड्रॉवर चेक को बनाने वाला, ड्रॉवी, यहाँ ड्रॉवी हमेशा बैंक होगा, क्योंकि बिल को स्वीकार कोई भी कर सकता है, लेकिन चेक को स्वीकार करने के लिए बैंकिंग होना चाहिए भाई, बैंकिंग कंपनी होना चाहिए, तो ड्रॉवी हमेशा यहाँ कौन होगा, बैंक ही होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई पेई की, तो पेई कौन होगा, ऐसा पर्सन जिसको पैसा मिलेगा, ऐसा पर्सन जिसको पैसा मिलेगा, और उसको हम किसके नाम से जानते हैं भाई, पेई के नाम से जानते हैं। अब इसकी भी कुछ एक फीचर्स दिए हुए हैं आपको,
क्या क्या फीचर्स हैं भाई देखते जाना। चेक आपका राइटिंग में होना चाहिए बिना किसी शर्त के, और वैसे भी चेक के ऊपर कोई कंडीशन तो वैसे भी नहीं लिखी जा सकती है भाई, चेक का तो एक फॉर्मेट फिक्स होता है। जो चेक है आपका उसके ऊपर मेकर के साइन होने चाहिए। अमाउंट फिगर और वर्ड दोनों में स्पेसिफाई होना चाहिए, 100, 200, 500 चाहे कितने का भी हो लेकिन दोनों अमाउंट सेम होना चाहिए, वर्ड में भी सेम है और फिगर में भी सेम है। इसके अलावा जो चेक है आपका वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर भी हो सकता है, और बेरर, यहाँ बेरर का मतलब होता है सेल्फ चेक। बैंक में जाओ और आप बेरर और ऑर्डर आ गया और क्या हो सकता है भाई, सेल्फ भी हो सकता है। प्रॉपर डेट होनी चाहिए, पेई का नाम सर्टेन होना चाहिए। अब एक वर्ड आता है आपका क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब क्या है भाई, अभी जैसे आपने देखा एक चेक है भाई, कोई भी चेक मान लो, ये चेक है, यहाँ चेक के ऊपर आ गई डेट जो भी डेट हो, यहाँ आ गया पे टू मिस्टर मिसेज जो भी हैं, अमाउंट इन वर्ड्स, और यहाँ फिगर में आ गया मान लो SBI बैंक आ गया, और यहाँ नीचे क्या आ गए, सिग्नेचर आ गए, सारी डिटेल लिखी हुई है। हम चेक के लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे दो लाइनें खींच देते हैं भाई। ये जो दो लाइन आपकी खींची गई है इसी को हम क्रॉसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग में काउंटर पे कैश पेमेंट नहीं होता है भाई। क्रॉसिंग का सीधा सा मतलब है अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करना। अगर अकाउंट टू अकाउंट आप ट्रांसफ़र करोगे, अगर आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करोगे तो उसको हम क्रॉसिंग का नाम देते हैं। इसमें फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और इन केस फ्रॉड हो भी जाता है तो आप इजीली उसको ट्रेस कर सकते हो भाई, इजीली ट्रेस कर सकते हो कि वो पेमेंट कहाँ गया, उसको ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन कैश निकलवा कर दे दिया तो फिर आपका कोई चांस ही नहीं है, उसके फ्रॉड को आप पता लगा लो। तो क्रॉसिंग का मतलब बैंक टू बैंक अगर अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको क्रॉसिंग का नाम देते हैं। कौन कौन चेक को क्रॉस कर सकता है, देखिए भाई मैं आपको चेक दे रहा हूँ, खुद ड्रॉवर कर सकता है, या फिर पेई जिसको पैसा मिलना था वो भी कर सकता है, क्या बैंक भी कर सकता है, क्या बैंक कर सकता है अगर उसको थोड़ा बहुत भी क्या लग रहा है, शक लग रहा है भाई, सब उसको क्या है, थोड़ा सा डाउट है कि सब मुझे लग रहा है आज तक इस बंदे ने बैंक से अकाउंट से इतना पैसा नहीं निकलवाया, आज अचानक से इतना पैसा क्यों निकलवा रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, तो उसको अगर डाउट होता है तो वो चेक के ऊपर दो लाइनें खींच देता है कि साहब आपको पैसा कहाँ मिलेगा, अकाउंट में ही मिलेगा। देखिए भाई आगे, एक आपने ग्रेस पीरियड का नाम सुना होगा, एक एक्सटेंड कर दिया जाता है, मान लो 3 महीने का टाइम है तो बिल और प्रॉमिसरी नोट वगैरह में आपका 3 दिन ग्रेस पीरियड दे दिया जाता है, ठीक है भाई। 3 दिन किस किस को नहीं मिलेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नॉट एंटाइल टू पीरियड ऑफ ग्रेस, चेक में ग्रेस पीरियड नहीं होता, डिमांड वाले में, और जिसमें टाइम ही स्पेसिफाइड नहीं हो। एक बात बताओ, 3 दिन जोड़ देना ग्रेस पीरियड के, 3 दिन जोड़ने के लिए बेस डेट भी तो होनी चाहिए ना, 15 जुलाई से 3 दिन जोड़ दो, 18 जुलाई से जोड़ दो, 25 जुलाई से जोड़ दो, लेकिन वो टाइम पीरियड तो हो ना आपके पास। अगर आपका बिल में टाइम ही नहीं लिखा हुआ तो आप उसको ग्रेस पीरियड नहीं दोगे भाई। तो ग्रेस पीरियड किस किस में लाऊ है, स्पेसिफाइड डेट हो, आफ्टर साइट हो, और सर्टेन पीरियड हो आपका, तो वहाँ 3 दिन आपके किसके हो जाएंगे भाई, ग्रेस पीरियड के हो जाएंगे। ये आपका ग्रेस पीरियड वाला टॉपिक आ जाता है, और कुछ खास है नहीं भाई। तीनों के बीच में हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है सबसे मेन, और ये तीनों के बीच में अगर डिफरेंस समझ में आ गया आप ये मान लेना चैप्टर कंप्लीट आपका। प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस दे रखा है भाई। अगर हम बात करें पार्टीज़ की तो दो पार्टी होती है, मेकर पे, प्रॉमिसरी नोट में भी बताया था भाई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 थी, ड्रॉवर ड्रॉवी पे, चेक में भी 3, ड्रॉवर ड्रॉवी और पे, बस बैंकर को
ड्रोवी का नाम दे सकते हैं। और आपको बताया था भाई, बिल्स ऑफ चेक में हमेशा ड्रोवी बैंकर ही होगा। नेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ नेचर देखना भाई, अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, यहाँ अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, और यहाँ पर डिमांड टू पे। मतलब प्रॉमिस टू पे, ऑर्डर टू पे, डिमांड टू पे, प्रॉमिस टू पे, ऑर्डर टू पे और डिमांड टू पे। एक्सेप्टेंस की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं खुद आगे से लिखकर बोल रहा हूँ आपको कि पेमेंट कर दूंगा, तो इसमें आपको एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट नेसेसरी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज नेसेसरी है, इसमें आवश्यकता नहीं है। लायबिलिटी हमेशा इसमें मेकर की ही होगी, जो प्रोमिसरी नोट बनाएगा वही चुकाएगा। इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर ध्यान रखना भाई, जो ड्रोवर की लायबिलिटी है वो कंडीशनल है, सेकेंडरी है। फर्स्ट आपकी लायबिलिटी ड्रोवी की ही बनती है। हाँ, कल को ड्रोवी पेमेंट नहीं करे, कल को ड्रोवी पेमेंट नहीं करे और आपने बिल आगे की ओर एंडोर्स कर दिया, तो कोई ना कोई तो पेमेंट करेगा ना, तो सेकेंडरी लायबिलिटी ड्रोवर की होती है, प्राइमरी वही ड्रोवी। यहां पर लायबिलिटी ऑफ ड्रोवर इज कंडीशनल एंड सेकेंडरी अपॉन नॉन पेमेंट बाय बैंकर। चेक के अंदर प्राइमरी लायबिलिटी आपकी बैंक की होती है और सेकेंडरी ड्रोवर, जब बैंक पेमेंट ना करे। नोटिस ऑफ डिसऑनर, इसमें कोई नोटिस नहीं होगा, प्रोमिसरी नोट में होगा, चेक में नहीं होगा, सॉरी प्रोमिसरी नोट में नहीं होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होगा भाई आपका नोटिस, और चेक के अंदर भी नहीं जरूरत। पेबल, ये पेबल ऑन डिमांड, ये पेबल ऑन कब होगा भाई, ऑर्डर टाइम के अकॉर्डिंग, और ये जब भी डिमांड करोगे तभी पेमेंट मिल जाएगा। क्रॉसिंग, इसमें क्रॉसिंग नहीं होती, बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिस नोट दोनों में ही नहीं होती। चेक को चाहो तो क्रॉस कर सकते हो, कैन बी क्रॉस्ड है भाई, मस्ट नहीं है, करना चाहो तो क्रॉसिंग कर सकते हो आप। नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग इन केस ऑफ डिसऑनर, इसमें नोटिस, नोटिंग और प्रोटेस्टिंग की जरूरत नहीं है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जरूरत है, चेक में भी नहीं है। ग्रेस पीरियड तीन दिन इसमें आवश्यकता नहीं है। अदर फीचर्स, नंबर डेट प्लेस नोट एसेंशियल, स्टाम्प नेसेसरी है। यहाँ नंबर डेट प्लेस नोट एसेंशियल, स्टाम्प जरूरी है। यहाँ पर नंबर डेट प्लेस जरूरी है, स्टाम्प जरूरी नहीं है, और वैसे भी चेक के अंदर स्टाम्प होता भी नहीं है। चेक खुद एक लीगल डॉक्यूमेंट है भी आपका, चेक खुद एक आपका लीगल डॉक्यूमेंट है। आपके कुछ एक फीचर्स डिफरेंस दिए हुए हैं तीनों के बीच में, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। एक और लिख सकते हो सेक्शन, सेक्शन 4, 5, 6, एक अच्छा पॉइंट आता है भाई आप, ये भी आपका सेक्शन 4, 5, 6 किसा, प्रोमिसरी नोट का सेक्शन 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन 5, चेक का सेक्शन 6। अब आपका चेक के अंदर अगला जो पार्ट आता है वो पार्ट आता है आपका क्रॉसिंग का। क्या आता है भाई, क्रॉसिंग, और क्रॉसिंग के अलावा एक डिसऑनर वाला पार्ट आता है। देखिए भाई, क्रॉसिंग की अगर हम बात करें तो क्रॉसिंग का सीधा सा मतलब आपको मैंने बता ही दिया, मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग देख लेना। दो लाइनें खींच देते हो आप लेफ्ट हैंड साइड में, और दो लाइनें खींचने का मतलब ही आपका क्रॉसिंग होता है भाई। अगर आपको पेमेंट काउंटर पे नहीं देना हो, नॉट टू पे मनी अक्रॉस दी काउंटर, अगर काउंटर पे पेमेंट नहीं देना तो आप चेक को क्रॉस कर दो। क्रॉस करने के बाद आपका सीधा पेमेंट कहाँ चला जाएगा भाई, क्रॉस करने के बाद सीधा पेमेंट कहाँ चला जाएगा, अकाउंट में चला जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन आपके नहीं होंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉसिंग, सब जो भी चेक होल्डर है, जो भी चेक होल्डर या ओनर है, उसको एक प्रोटेक्शन देना, एक सेफ गार्डिंग देना भाई। रीज़न, कल को गलत पेमेंट हो गया तो कैसे पकड़ेंगे उसको भाई। सीधी सी बात है, अगर अकाउंट में पैसा गया है तो उसको ट्रेस करना इजी है, कैश वाले को इजी नहीं है। काइंड ऑफ क्रॉसिंग की बात करें तो एक तो जनरल क्रॉसिंग और एक स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग, दो लाइनें खींच दी, पढ़ लेना भी इसमें।
और दो लाइनें खींचने के बाद सीधा सा है, जनरल क्रॉसिंग कहलाएगा। पहली बात, लाइनें जो होंगी नोट ऑक्यूपाई प्रिंटेड, पहले से छपी हुई नहीं होनी चाहिए भाई, आप खुद छापोगे। और लेफ्ट हैंड साइड में एंड कंपनी या फिर शॉर्ट में एंड कंपनी आप लिखना चाहो तो लिख दो, बाकी आवश्यकता नहीं है। नोट नेगोशिएबल वर्ड लिखना भी ज़रूरी नहीं है भाई। क्रॉसिंग का मतलब ये भी होता है जिसका नाम लिखा हुआ पैसा उसी के अकाउंट में मिलेगा आपको, आप आगे की ओर उसको एंडोर्स नहीं कर सकते हो। एक स्पेशल क्रॉसिंग आती है भाई, स्पेशल क्रॉसिंग में भी ये दो लाइनें लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैंक का नाम लिखना ज़रूरी है। एक क्रॉसिंग मत करो आप चाहे, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा SBI बैंक, और SBI बैंक का सीधा सा मतलब है आपका अकाउंट चाहे कोई से भी बैंक में हो, अगर आपने ऊपर लिख दिया SBI बैंक लेफ्ट हैंड साइड में दो लाइनों के बीच में, तो पैसा सिर्फ SBI बैंक ही देगा आपको। सर मेरा तो SBI बैंक में अकाउंट ही नहीं है, तो पहले आप SBI बैंक में क्या खुलवाओ, अकाउंट खुलवाओ, बाद में आपको पेमेंट रिसीव होगा भाई। वही लेफ्ट हैंड साइड सेम बात है भाई, स्पेशल क्रॉसिंग के फ्रॉड के चांसेस, स्पेशल क्रॉसिंग में फ्रॉड के चांसेस और भी कम होते हैं। मिस अप्रोप्रिएशन भी नहीं होती है, कि डायरेक्टली बैंक से आपका कनेक्शन रहता है भाई, बैंक को पता रहता है ये मेरा अकाउंट होल्डर है, तो उसको एक स्पेशल ट्रीट देता है बैंक। अकाउंट पे क्रॉसिंग सेम टू सेम वही बात है, ठीक है भाई। बाकी ऑब्जेक्ट आपके बता ही दिए क्रॉसिंग के, प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है, थर्ड पार्टी कैश नहीं निकाल सकती है, ईजी ट्रांसफ़र है, बैंक की अगर नेग्लिजेंस या बैंक की कमी के कारण, इग्नोर के कारण अगर कल को कोई फ्रॉड हो भी गया तो लाइबल बैंक माना जाएगा आपका। उसी से मिलती जुलती डबल क्रॉसिंग या स्पेशल सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग सेम टू सेम है, बस यहाँ SBI बैंक भी लिख दिया और साथ में अकाउंट पे वर्ड भी लिख दिया स्पेशल क्रॉसिंग, कुछ भी नहीं है भी खास। और कल को चेक अगर डिसओनर हो जाए तो चेक डिसओनर बोल दो या फिर बाउंस बोल दो, या तो डिसओनर बोलो या फिर बाउंस बोलो। चेक क्या हो गया आपका, डिसओनर हो गया या फिर बाउंस हो गया, ठीक है भाई। अगर बाउंस हो जाए या डिसओनर हो जाए तो उसके केस में वैसे तो ध्यान रखना भाई, अगर अकाउंट्स की नज़रों से हम देखते हैं ना तो रिवर्स एंट्री होती है आपकी हमेशा। सुनना भाई कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं आपको, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 138, अगर किसी भी प्रकार से कोई चेक क्या हो जाए बाउंस हो जाए तो उसमें क्या होगा भाई, देखना ड्राइंग ऑफ द चेक, प्रेजेंटेशन ऑफ द चेक टू द बैंक, सबसे पहले चेक को बनाओ बैंक के पास प्रेजेंट करो, अगर बैलेंस नहीं होगा तो बैंक उस चेक को रिटर्न कर देगा और एक नोटिस देगा कि साहब पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं है, और आपको वो 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस का जवाब देना है। अगर चेक क्या हो गया आपका, डिसओनर हो गया, और चेक डिसओनर होने का सबसे बड़ा रीज़न इनसफिशिएंट बैलेंस ही है, कि साहब मेरे खाते में प्रॉपर क्या नहीं था, बैलेंस नहीं था। और अगर प्रॉपर खाते में बैलेंस नहीं होता है तो सीधी सी बात है भाई, आपके ऊपर केस भी होगा। बहुत बार आपने कई मूवियों में भी देखा होगा कि साहब सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग उनको सजा का प्रावधान भी सुना दिया जाता है। और कुछ खास है नहीं इसके अंदर भाई, आप कंप्लीट कर लेना, MCQ ज़रूर करना इसके, बाकी MCQs भी देख लेंगे, चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है। ओल्ड हो चाहे न्यू सिलेबस हो, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आपका बिल्कुल कंप्लीट है भाई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं हम। एक बार यहाँ तक आप बिल्कुल कवर कर लेना इस चीज़ को, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एक सेल्स है, एक कम्युनिकेशन और एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, एक दिन एक चैप्टर, 4-5 क्लास में पूरा कंप्लीट आपकी बुक है, इसको यहाँ तक अच्छे से कवर कर लेना भाई आप।